हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 13% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 5046 है तो खराब उत्पादों की संख्या, अगर कंपनी ने 100% उत्पाद बनाए थे उनमें से खराब कितना निकला? 13% माइनस 13%। कितना प्रतिशत सही होगा उसका? 87%। और वैसे संख्या में कितने थे? 5046 भाग 87 इंटू 13% उसका खराब निकला। जो तो 5046 में 87 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा इससे 8 8 5 40, 87 इंटू 8, 87 इंटू 5, 7 5 35 का 5 3 40 और 3 43, 835, 835, 65 और 69 और 6, ये 8, 58, 58 इंटू 13, 58 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 754। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन। हमीद, कलमेट और गणेश का वेतन का अनुपात 3:5:5:7 है। हमीद, कलमेट और गणेश का वेतन का अनुपात 3:5:5:7 है। गणेश को हमीद से 900 रुपये अधिक मिलते हैं। गणेश को हमीद से कितने अनुपात में कितना अधिक मिल रहा है? 4। संख्या में कितना मिल रहा है? 900। 1:2:25, 1:2 इस। तो कलमेट को कितना मिलता है? 5:225, ये हो जाएगा 1225, ये हो जाएगा 5:225, तो ये हो जाएगा 5 से 25, 5 से 25, 2 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल की 1, 5 दूनी 10 रही 11, 1125 रुपया। आगे देखें स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन हल कीजिए। 361 का स्क्वायर इंटू 76 भाग 19 की घात 5, तो 361, 361 इंटू 361 इंटू 76 भाग 19 की घात 5, मतलब 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 1021, तो ये चला जाएगा। ये 19 से 2 गुनी से ये, 2 गुनी से ये, 19 से ये, 19 चौक 76, 1021 इंटू 4, ये हो जाएगा 4084। आगे देखें स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन। 27√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर? तो विकर्ण कितना है? ए रूट तीन होता है उसका विकिरण। ये कितना? 27√3। ए बराबर हो जाएगा 27, तो घन ये हो जाएगा घन का स्क्वायर 27, घन का क्यूब घन का आयतन 27 × 27 × 27 बटा घनाभ की लंबाई घन की भुजाई के बराबर, ये हो जाएगी इसकी भुजाई के बराबर। चौड़ाई हो जाएगी 13.5 और ऊंचाई निकालना है। 27 से 27 चला जाएगा, 13.5 से 27 दो बार, एच बराबर 54 सेंटीमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन। वृत्त की त्रिज्या को 20 गुना करने पर इसकी पूर्व परिधि कितने गुना बढ़ जाएगी? तो परिधि होती है 2 पाई आर, तो आर थी ये, आर हो जाएगी 20 आर, तो इसमें परिधि में भी हो जाएगी 2 × π × 20 आर, कितने गुना बढ़ी? 20 गुना। आगे देखिए स्टूडेंट, छठवा क्वेश्चन। 238 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 58 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई, तो 238 कितने सेकंड का टाइम लेती है? 58 सेकंड का, माइनस साइन बोर्ड को पार करने में कितने सेकंड का? 24 सेकंड का, तो 58 में से 24 चला जाएगा, 4 और 3 34, 238/34 × 24 सेकंड का टाइम, तो ये चला जाएगा इससे 12, दो बार इससे चला जाएगा 17 बार,
से 14 बार, 14 × 12 144 और 24, 144 और 24 168 मीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान में 9 किलोमीटर प्रति हावर, 15 किलोमीटर प्रति हावर और 45 किलोमीटर प्रति हावर की गति से यात्रा करता है, उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति हो जाएगी 3 अक्ष ऊपर, 3 अक्ष बटा अक्ष बटा 9 प्लस अक्ष बटा 15 प्लस अक्ष बटा 45। तो ये हो जाएगा 3 अक्ष बटा इधर हो जाएगा 45, 15 × 9 = 45, 5 अक्ष प्लस 3 अक्ष प्लस अक्ष ऊपर हो जाएगा 3 अक्ष × 45, ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 5 और 3 8, 8 × 1 = 9 अक्ष। ये 9 से 3 बार, अक्ष बराबर 15। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन। एक बॉक्स में रखे गए 73 नोटबुकों का औसत भार 7.3 kg है। तो 73 × 7.3 ये हो जाएगा 73 × 7.3। तो 73 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 0 9, 7 का 49, 7 21 2 42, 9 2 9 4 13 3 असली के 4 1 5, ये हो जाएगा 532.9 और ये हो जाएगा 547.9। अंतर हो जाएगा इसका 14.7 kg। आगे देखें स्टूडेंट्स, नौवा क्वेश्चन। एक दुकानदार एक उत्पाद को 3,267 में बेचकर 12.5% लाभ कमाया। 12.5% बराबर होता है 1/8। तो 8 से 9 में बेचा वो, 9 में कितने बेचा, 3,267/9 इंटू उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा ये 4, 9 से 9 30 27 5, 9 6 54, 9 6 54 2, 9 30 27, 363 × 4, 4 3 12 का 2 हासिल की 1, 4 6 24, 1 25 का 5 हासिल की 2, 4 3 12 13 14, 1452 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन। हल कीजिए 17.53 प्लस 15.23 प्लस 17.63 माइनस 26.84। तो प्लस वाला 17.53, 15.23, 17.63, 3 3 9 6 और 5 11, 11 और 2 13 का 3 हासिल की 1, 7 2 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल की 2, 2 3 4 5, 50.39, 50.39 माइनस 26.84, तो ये हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा 13, 13 में से 8 चला गया तो 5, इधर 9, 9 में से 6 गया 3, 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये हो जाएगा इसमें 3, 23.55 के अंदर 3 का भाग देना है, 3 से 3 7 या 21, 2 3 अंटा 24, 3 5 15, 7.85। आगे देखें स्टूडेंट्स, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 1180 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने में बेच रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य अपन अक्स मान लेते हैं, हानि, हानि कितने की हो रही है, हानि कितने पर हो रही है, अक्स माइनस 540, लाभ, लाभ हो रहा है 1080 माइनस अक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार 1180 में बेचने पर कितने की हानि हो रही है, और अक्स माइनस 1180 इंटू 60% का लाभ बराबर
एक्स माइनस 540 तो ये हो जाएगा 0 से 0 इससे 3x, ये हो जाएगा इधर 1180 माइनस एक्स इंटू 3/5 बराबर एक्स माइनस 540 तो ये हो जाएगा 5 से ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3540 माइनस 3x बराबर 5x माइनस 2700 तो माइनस का 8x बराबर माइनस 6240 एक्स बराबर 6240 भाग 8 ये हो जाएगा 780। आगे देखिए स्टूडेंट्स, बार बार क्वेश्चन, एक बॉक्स में 3:5, 5:7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। 3:5, 5:7 1 रुपया 5 रुपया 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया। 1 रुपये के 3 सिक्के तो 3 रुपया हो गया, 5 रुपये के 5 सिक्के तो 25 रुपया हो गया, 10 रुपये के 7 सिक्के तो 70 रुपया हो गया। ये हो जाएगा 100, तो नहीं ये हो जाएगा 75, 95 और 3, 98 784 भाग 98 ये चला जाएगा 8 बार 8, तो 10 रुपये के मूल्य की संख्या, तो 10 रुपये कितने हो जाएंगे 7 × 8 बराबर 56। आगे देखें स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, विमल फ्रेंच में 80 में से 70, 80 में से कितना अंक लेके आया 70 और अंग्रेजी में 100 में से 93, स्पेनिश में 70 में से 61, जापानीज में 50 में से 46, 8, 7, 15, 15, 5, 20 और 300 में से कितने अंक लेके आया 6 और 6, 4, 10 का 0 हासिल की 1 और 1 10, 10, 7, 17, 17 और 10, 27, तो 270 अंक लेके आया कितने में से 300 में से इंटू 100, 2 0 से 2 0, 3 से 90%। आगे देखें स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 8777 और एचसीएफ 1 है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो उन संख्याओं का गुणनफल अपन को एक्स मान लेते हैं, एक्स बराबर एलसीएम कितना 8777 इंटू 1, तो एक्स बराबर 8777। आगे देखें स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, 91 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, कितना अनुपात है 3:4, ये हो गया मिल्क और वाटर, तो 91/7 13 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33:39 और ये हो जाएगा 13×52, ये अनुपात 3:5, तो ये 3 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, तो कितना लीटर दूध और कितना लीटर पानी मिलाएगा 13 लीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 2/5 अक्स तो ये हो जाएगा 2x/5 + 3x/10 - 3x/5 बराबर 541, तो नीचे हो जाएगा इनका एलसीएम 10, ये हो जाएगा 4x + 3x - 6x = 541, अक्स बराबर 4 और 3 7, 7 में से 6 चला जाएगा, अक्स बराबर 5410। आगे देखिए स्टूडेंट्स 17वां क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई राशि 5 वर्ष में मूल राशि की 3 गुना हो जाती है, 5 वर्ष में कितना गुना हो जाती है 3 गुना, तो यह 27 गुनी, तो 3 का कितना क्यूब है 3 क्यूब, तो 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5 15 वर्ष में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, समान राशि पर 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 है, अंतर कितना है 80, दर कितनी है 4%, तो ऐसा ही हो जाएगा 8%,
और सीआई हो जाएगा 8.16%। तो 80 भाग 0.16 इंटू 100, पॉइंट हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100, 16 से 80 5 बार, ये राशि हो जाएगी 50,000। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति 15 किमी प्रति हावर की गति से साइकिल चलाकर 15 किमी प्रति हावर की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल 5.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति आवर की गति से साइकिल चलाता है तो 5.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसकी चाल 15 चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का गुणनफल 15 × 20 बटा चालों का अंतर इंटू समय, समय दोनों समय हो जाएगा 11 मिनट, बटा एक घंटे में कितना मिनट होता है 60, तो 5 से 3 बार, 20 से 3 बार, 3 से 3, कॉलेज और उसके बीच की दूरी 11 किलोमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 1521 सेंटीमीटर है, ए स्क्वायर बराबर 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। एक मेज के ऊपर रखा गया कांच के टुकड़े और मेज के बीच की धार के बीच की बीच चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितने सेंटीमीटर होगी 9, ये 9 ये 9 ये हो जाएगा 39। तो इसकी मेज की लंबाई 39 प्लस 18 हो जाएगी 57 सेंटीमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, रूट 529, 529 किसका होता है 23 का, 23 बटा 23 प्लस 576 होता है 24 का बराबर 1 × अक्ष, तो ये इससे चला जाएगा एक बार 24 प्लस 1 25 बराबर अक्ष बराबर 25। आगे देखें स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, 7,800 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए, यदि 5 वर्ष बाद यह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी जाती है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो 20 से 20 ये हो जाएगा 78 × 40 से पूरी 78 × 40 हो जाएगी 0 8 4 8 32 का 2 हासिल की 3 7 4 28 28 और 3 31, राशि कितनी है 7,800 प्लस 3,120, तो हो जाएगा 0 2 8 1 9 7 और 3 10,920। 10,920 में 2 का भाग देते हैं, आधी राशि है 5,410 से। आगे देखें स्टूडेंट्स 5,460। आगे देखें स्टूडेंट्स, एक गिफ्ट में बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं जिनमें पहली 4 चूड़ी का औसत भार 59 ग्राम, 4 × 59 ये हो जाएगा 536। 6 चूड़ियों का औसत भार 60 ग्राम, 6 × 60 ये हो जाएगा 360, 6 6 3 9 और 5 यह हो जाएगा 596 भाग 10, तो यह जाएगा 59.6 ग्राम। आगे देखिए स्टूडेंट्स, मार्टिन अपने वेतन का 13% हिस्सा दृष्टिहीनों पर कितना, 13% दृष्टिहीनों पर, 12% अनाथों पर, 14% दिव्यांगों पर
और अपने वेतन का 16% मेडिकल कैंप पर, तो 6, 4, 10 और 5, 15 का 5 हासिल की, 1, 1, 2, 3, 4, 5 55% हिस्सा खर्च कर देता है। और कितना हिस्सा? 43,200 वह बैंक में जमा करता है, 43,200 / 45। तो वह अनाथों की संस्था पर 12%, तो 3 से 4 बार, 3 से 15 बार, 15 से 15 दुना 30, 13, 132, 15 अंटे 120, 12, फिर 15 अंटे 120, 2,880 × 4, 2,880 × 4, 0। 4 अंटे 32 का 2 हासिल की, 3, 4 अंटे 32, 32 और 3 35 का 5 हासिल की, 3, 4 दुनी 8, 8, 3 11, 11,520। आगे देखे स्टूडेंट्स, किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 9 शेष बचता है। अक्ष को 119 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो अक्ष बराबर 119 + 9, अक्ष बराबर हो जाएगा 9 × 18 = 8 हासिल की 1, 128। तो उस संख्या को 17 से विभाजित करने पर, 128 को 17 से विभाजित करने पर 9 शेष फल बचेगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।